नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। पूजा सिंघल और पंकज मिश्रा से रिलेटेड सारी खबरें हम आपको लगातार अपडेट जीएन भारत में देते आ रहे हैं। अब जो नया अपडेट आ रहा है, आपको बता दें हम ईडी ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं और प्रेम प्रकाश से लगातार 3-4 दिनों से पूछताछ चल रही है और बहुत मनी लॉन्ड्रिंग के जो बहुत अहम सुराग है वो ईडी को हाथ लग रही है। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने कल जब उनसे पूछताछ हुई बहुत गोलमटोल जवाब दिए, बहुत टाला। लेकिन अब जो आज की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही है वो है पंकज मिश्रा भी रडार में आ गए हैं ईडी के। वो एक कहावत है ना, जब इंसान का वक्त अच्छा चलता है तो उसका अहंकार बहुत बढ़ जाता है और वही एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा ने खुली चुनौती दी थी ईडी को और कहा था कि जो करना है ईडी कर ले, मैं डरता नहीं क्योंकि सांच को आँच नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह की बातें पंकज मिश्रा बहुत अहंकार में कर रहे थे। लेकिन अब पंकज मिश्रा रडार में आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते पंकज मिश्रा को, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन पर FIR किया गया है और अगले हफ्ते उनको इसी कार्यालय में बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए और बहुत अहम जानकारियां उनसे ली जा सकती है। आपको बता दें हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा और हेमंत सोरेन के बहुत करीबी भी है। अवैध खनन पट्टा साहिबगंज में चल रहा था तो उसमें पंकज मिश्रा जो है वो हम जो बार बार कह रहे थे कि पूजा सिंघल हो या फिर प्रेम प्रकाश हो, विशाल चौधरी हो, ये सब बहुत छोटी मछली है। जो बड़ी मछली है वो पंकज मिश्रा है, हमने आपको खुले तौर पर बताया था। उसको पकड़ने के फिराक में है ईडी। लेकिन अब लगता है ईडी पूरी तरह मन बना चुकी है कि इससे भी बड़ी मछली, जी हाँ, ऐसा लग रहा है मानो पंकज मिश्रा के थ्रू वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन तक पहुंचना चाहती है, इसलिए उनके विधायक प्रतिनिधि को पकड़ा गया है ऐसा माना जा रहा है। जो खनन पट्टा का जो आरोप लगा था हेमंत सोरेन पे, उनका आधा से ज़्यादा काम अवैध रूप से पंकज मिश्रा के हाथों होता था। कहीं ना कहीं ये पूरे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है और पूजा सिंघल जो है वो बहुत छोटी मछली है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का रहा है, इसीलिए इनको पकड़कर अगले हफ्ते पूरी पुष्टि है कि वो आएंगे और उनको समन जारी किया जाएगा ईडी के तौर पर और बहुत अहम सुराग उनके लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगला पूजा सिंघल, जिस तरह होटवार में उनकी रातें कटना मुश्किल हो रही है क्योंकि IAS ऑफिसर थी, ऐश्वर्य आपकी जिंदगी थी, मुश्किल तो होगी ही, रातों की नींद हराम है, मैडम को अपर डिवीजन सर भी मिला, अब सुनने मारा कहीं ना पंकज मिश्रा का भी हालत अगला पूजा सिंघल जैसा हो जाए, क्योंकि अगर ईडी पीछे लग जाए तो फिर छोड़ना मुश्किल है। हम आपको लगातार अपडेट पंकज मिश्रा रिलेटेड देते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।